वर अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए और यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये। अब कन्या पूजा होगी। कन्या के पिता कन्यादान के लिए आगे आए। एक मिनट पंडित जी, दीदी का कन्यादान हमारी मां रंजू मिश्रा करेंगी। क्योंकि हम चारों बहनों की पहचान हमारी माँ से ही है। तुम अपनी है ना ये पहलवानी बुद्धि अपने पास रखो। बेटी की पहचान उसके पिता से ही होती है। ऐसा होता जरूर होगा, लेकिन हमारा मामला कुछ अलग है। वो क्या है ना, बचपन से जब भी हम चारों बहनों ने आवाज दी है माँ को या पिता को, तो जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ ने दिया। हम चारों ने जिद भी इन्हीं से की है, बात भी इनकी ही मानी है, यहाँ तक कि थप्पड़ भी इनका ही खाया। तो फिर कन्यादान भी हमारी माँ को ही करना चाहिए ना। अपना ही सरकारी भाषण है ना, सरकारी स्टेज पर ही देना, समझी? वहाँ पे तुमको इनाम भी मिलेगा और ताली भी। यह हमारे बेटे का शादी हो रहा है और यह वही होगा जो समाज में आज तक होता आया है। समाज है ना, माँ बाप को अलग अलग जिम्मेदारी दिया है और उसमें बेटी का कन्यादान का जिम्मेदारी बाप को दिया है, इसीलिए सालू का कन्यादान उसका पाप करेगा। नामी को चुप करवाइए।
माता बना गया है इसके रोज रोज के चकलत से। अगर रू तुम्हारी बीबी है तो ये कौन है? ये हमारी गलती है। बड़ा फौज जो खड़ा कर दिया ना वही काफी है, हमें बख्श दीजिए आप, चलते हैं हम। नहीं जी, ऐसा ना कहिए।